subscribe our channel for latest updates. ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-500 ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 40 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਕੋ ਹਮੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਮੇ ਗੈਮਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਰੇਡ ਕੀਆ। रेड में 32 लोग एक कमरे में गैम्बलिंग करते मिले, जिनके पास से 34 लाख रुपीज़ मिला। और रेड करने से जस्ट पहले कुछ लोग निकल गए थे। ये जो FIR है, हमने मैनेजमेंट, उनका स्टाफ और जो गैम्बलर्स हैं उनके खिलाफ़ कर रखी है, क्योंकि इस होटल में हमें पता लगा था कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से गैम्बलिंग चलती है जो भी काम होता है। तो इस करके हमने जो GM हैं उस होटल के, उनको भी अरेस्ट कर रखा है और जो रोल है मैनेजमेंट का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो देखेंगे। नहीं, बेसिकली इसके पहले भी कोशिश की हमने वहाँ पे रेड करने की, लेकिन वो स्ट्रेट एंट्री जनरली होटल में होती नहीं है। हमने वेरियस गेट्स, लिफ्ट्स के थ्रू जाना होता है, तब तक इन्फॉर्मेशन मिलती थी इनको। लेकिन कल हमारा जो रेड था काफ़ी ऑर्गेनाइज था, इसलिए हमें उसमें कामें भी मिली। किस तरह के लोग होते थे और कितने बिजनेस? बेसिकली इनका बिजनेस बैकग्राउंड के लोग थे सारे, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग में है वो थे। ये कुछ लोग लुधियाना के ही ज़्यादा और कुछ लोग बाहर से भी थे। और इसमें कुछ लोग जो कि नामी गैम्बलर है शहर के, एक दो नाम वो भी पता लगे हैं, वो वेरीफाई करेंगे। अभी तो तफ्तीश चल रही है, देखते हैं क्या निकलता है। कितने पैसे पकड़े हैं इनसे? इनसे हमने 34 लाख की राशि बरामद की और बाकी 40 स्मार्टफोन बरामद किए। अभी हमने GM को अरेस्ट कर रखा है और सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है वो भी देखते हैं, और बाकी सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी इंचार्ज, बाकी भी और भी कुछ स्टाफ होगा इसमें इंस्ट्रूमेंटल रूम बुकिंग में, वो देखेंगे। अभी तो 32 लोग हमने अरेस्ट कर रखे हैं विद GM। उसके आगे अभी जो भी तफ्तीश में अभी FIR रजिस्टर हो चुकी है, जो भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। कमरा सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर था, तेजवीर सिंह के नाम पर, और उस कमरे में 32 लोग बैठे थे। सूत्रां दे अनुसार लुधियाना पुलिस ने अपनी टीम दे नाल बड़ी ही चलाकी दे नाल इस रेड नू अंजाम दिता। लुधियाना तो अनुपम हिंद्रू दी रिपोर्ट, चैनल पंजाब न्यूज़।